हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएससी। इस वीडियो में हम बिहार जुडिशरी मेंस में पूछे जाने वाले लॉ ऑफ एविडेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एरियाज डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा जनरल स्कीम ऑफ थिंग्स देख लेते हैं। सो जैसा कि आप जानते हो, बिहार जुडिशरी मेंस में आपका एक कंपल्सरी लॉ पेपर होता है और तीन आपको ऑप्शंस चूज़ करने होते हैं आउट ऑफ फाइव। सो ये आपका कंपलसरी पेपर है, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। इसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, सीपीसी, एविडेंस, आर्बिट्रेशन एंड सीआरपीसी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 6 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 10 और टोटल मार्क्स 150 होते हैं। यहाँ पे अगर आप मार्क्स का ब्रेकअप देखोगे तो सीपीसी से 60 मार्क्स का पूछा जा रहा है, एविडेंस से 50 मार्क्स का पूछा जा रहा है और आर्बिट्रेशन और सीआरपीसी से 20-20 मार्क्स का पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे आपके लिए सीपीसी और एविडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे हम एविडेंस डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियोस में वन बाय वन हम ये सारे सब्जेक्ट्स टेक अप करेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जब भी आप अपनी नोट मेकिंग करें, जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दीज इम्पॉर्टेंट एरियाज़। टॉपिक्स बताने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। हमारा बिहार जुडिशरी मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। इसके अंदर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और लॉ सारे सब्जेक्ट्स कवर करे जाएंगे। जीएस और साइंस के अंदर आपको 5 मॉक पेपर्स मिलेंगे सॉल्यूशंस के साथ, आंसर चेकिंग और रिव्यू भी होगा और हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस इसके अंदर रहेंगे। उसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। लॉ के अंदर हमारे पास सारे जो 6 पेपर्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे, कंपलसरी प्लस ऑप्शनल। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपको जो भी पेपर चाहिए पर एग्ज़ाम पेपर हम उसको चार्ज करेंगे। सो एक एग्ज़ाम पेपर के अंदर आपको 2 मॉक पेपर्स मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, आंसर चेकिंग और रिव्यू, और ये क्वेश्चंस हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस। फीस बहुत ही अफोर्डेबल है। जनरल नॉलेज के लिए हमने 1000 रखा है, जनरल साइंस के लिए भी 1000 रखा है और लॉ पेपर के लिए पर एग्ज़ाम पेपर से मेरा मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो कंपलसरी पेपर है यही लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, उस एक पेपर का 500। उसके अलावा आपको ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सारे ही पेपर्स ऑप्ट करने हैं। आपको एक ठीक लगता है आप एक लीजिए, दो ठीक लगते हैं आप दो लीजिए, और उस एक एग्ज़ाम पेपर के अंदर आपको ये सब कुछ मिलेगा। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये हमारा नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो मेंस लिख रहे हैं, उनके साथ इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो इन जनरल अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहता है। अब अपनी वीडियो पर वापस आते हैं। सो गाइज, ये जो टॉपिक्स हैं ये अभी तक एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले जो आपका सेक्शंस 1-4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फैक्ट, फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, प्रूव, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, ये सारी चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, इनको आप प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेस जस्टेई सेक्शन 6, ये पूछा जाता है। प्ली ऑफ एलिबाई से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडमिशन और कन्फेशन से तो रिपीटेडली बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे कि व्हाट इज़ एडमिशन, एविडेंशरी वैल्यू ऑफ एडमिशन, एडमिशन और कन्फेशन का डिफरेंस, रिट्रैक्टेड कन्फेशन, जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, एविडेंशरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन मेड बाय अक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी, सर्कमस्टांसेस व्हेन कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट एन अक्यूज्ड। तो ये इस तरीके के टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ डाइंग डिक्लेरेशन, व्हेन इट इज़ एडमिसिबल इन एविडेंस, एविडेंशरी वैल्यू पूछी जाएगी, इज़ इट अ पीस ऑफ सब्सटैंटिव एविडेंस। उसके अलावा इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट्स, यहाँ से भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। उसके बाद रेलेवेंसी ऑफ ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड ऑफ थर्ड पर्सन, यहाँ से भी शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर,
यहाँ से भी शॉर्ट नोट आ जाता है। उसके बाद फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, इस पे भी कोई शॉर्ट नोट वगैरह आ जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, यहाँ से भी आता है क्वेश्चन शॉर्ट नोट लिखने के लिए, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, ये सब आ जाता है। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये नेक्स्ट। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी शॉर्ट नोट, एप्लीकेशन बेस्ड और लॉन्ग क्वेश्चंस और सेक्शन 112 पे क्वेश्चंस, ये सब पूछे जाते हैं। उसके बाद एस्टॉपल, एस्टॉपल। उसके बाद प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, फिर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से पूछा जाता है, ये सब काफ़ी शॉर्ट नोट में आए हुए हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन, इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस, रिफ्रेशिंग द मेमोरी ऑफ अ विटनेस, री एग्जामिनेशन, जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एकम्प्लिस, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लीडिंग क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और हॉस्टाइल विटनेस। सो गाइज, ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिपीटेडली लॉ ऑफ एविडेंस में पूछे गए हैं। सो इन एरियाज़ पे आप ज़रूर फोकस करिएगा, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।